सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट भला है। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखरी, पंखरी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती, उस जल में बाबा को समर्पित इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब दो लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो सदाक्षर ओम नमः शिवाय, सदाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत पार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल दीजिए, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए जिस शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए, फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा। काली मिर्च शत्रुओं का नाश कर आपको बल प्रदान करती कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वह सफलता देगी। वह अगर वृंद भटक नहीं गए, हट नहीं गए तो वो सफलता दे। इतना भी बेकार क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बहुत ध्यान देना मेरा, बेकार कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संदर्भ पर भी चल रहा है, निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिलचिर कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर कर सकता, चिड़चिड़पन क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर में रहेगा, सत्संग की ओर आना। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए, अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहा है या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस में ही है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करे, चुमा पुराण महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बिक रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया, एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा को तुरंत कराई दे नौकरी दिलाई। जिस पर अड़ता जा रहा है, विवाह नहीं होता ना, उस समीप पत्र के नीचे बिठा कर और समीप के वृक्ष के नीचे बिठा कर, समीप वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में, समीप वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की की हल्दी लगाकर समीप वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तब 3 महीने में विवाह हो जाए। कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो हमारा बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो, सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार, उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो, उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाए, महाराज किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार
या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उसकी थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा। क्या नाम लेना है? कुंद कैश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माँ का पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो चुटकी भर बस। और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा तो बाबा धक्का लगा ही देगा। ऐसे ही लगा है शंकर भगवान को भस्म प्रतीक थी। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता जमा जगजननी जगदम्बा। आप लोगों ने अभी नवरात्र गए हैं तो नवरात्र में दर्शन किया होगा माता का। कहां यज्ञ होता है? सत्य सती से यज्ञ हो चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है उसमें बेलन के फल की भी आहुति लगती, उस भस्म की बड़ी पर्वत। बेल का जो गुर्दा होता है गुर्दे की जो भस्म तैयार कर जाती उसका बड़ा मान। मनमंजित फल की काम है। आप जिस कामना के लिए कर, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए और रोग रोगी के लिए, आप जिस कामना से कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर हाथ में मेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे थे। पर गंदी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बिचारी उंगली क्यों कर आप स्मरण कर रहे हैं और अपने काम ना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर उस पत्ती को समूह कर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में आप काम ना करता पत्ते थे शंकर भगवान के ऊपर समर्पित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी सावन के आखिरी सोमवार का बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, सावन के आखिरी सोमवार पे जब आप दो लोटा जल भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं तो उस जल में बन सके तो इत्र मिला के या शमी का पत्र हो या गुलाब की पंखुड़ी हो, इन तीनों वस्तु में से पूजनीय पंडित जी कहते इत्र बहुत ही जरूरी है। यदि आपको मिल जाए तो इत्र मिला के यदि आप दो लोटा जल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आखिरी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और कल आपका श्रावण का आखिरी दिन है तो ऐसे में सोमवार भी है, पांच बेलपत्र आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करें। बेलपत्र आपकी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए और प्रदोष काल में अपनी कामना करके घी का दीप आप अवश्य प्रज्वलित करें। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। सावन का आखिरी सोमवार हो शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार हो जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखरी, पंखरी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब दो लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर कामना कर त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर में ही बोला जाता महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो सदाक्षर ओम नमः शिवाय, सदाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल दीजिए, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक
कल इस जल का साथ लेकर जाइए जिस शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा। काली में शत्रुओं का नाश कर आपको बल प्रदान करती कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी। वाह, अगर कहीं भटक नहीं गए, हट नहीं गए, तो वो सफलता नहीं। इतना भी बेका क्रोधी हो, जिद्दी ही हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बहुत ध्यान देना मेरा, बेका कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संदर्भ पर भी चल रहा है। निवेदन है, शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिलचिर कर रहा है। बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर कर, चिड़चिड़पन क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर मरेगा, सत्संग की ओर आना। एक छोटा सा उपाय अवश्य कर दिए, अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहा है या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस में ही है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करे। चुमा पुराण महाराज बेलपत्री के पैर के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पैर के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बिक रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पैर के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तिल का दिया, एक बार लगा दे। उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा को उत्तीर्ण कराई दे, नौकरी दिलाए। जिस पर लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, उस समीप पत्र के नीचे बिठा कर और समीप के वृक्ष के नीचे बिठा कर समीप वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में समीप वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की की हल्दी लगाकर समीप वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तब 3 महीने में विवाह हो जा। कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो हमारा बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो, सुखाने के बाद उसको जला, जलाकर उसकी भस्म तैयार, उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो, उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाए महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उसकी थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाए घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा, क्या नाम लेना है, कुंद कैश्वर, उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्ती के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर चुटकी भर बस, और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा धक्का लगा ही जाएगा, ऐसे ही लगा है। शंकर भगवान को भस्म प्रतीक थी, बेलपत्री किसका प्रतीक है, माता जमा जगत जननी जगदम्बा। आप लोगों ने अभी नवरात्रि गए हैं तो नवरात्र में दर्शन किया होगा, माता का कहां यज्ञ होता है, सत्य सती से यज्ञ हो चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेलन के फल की भी आहुति देती, उस भस्म की बड़ी पर्वत, बेल का जो गुर्दा होता है गुर्दे की जो भस्म तैयार कर देती उसका बड़ा मान, मनमांजिक फल की काम है। आप जिस कामना के लिए कर, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए और रोग रोगी के लिए, आप जिस कामना से कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक मेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे थे, पर गंदी का बात अपनी ओर
बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली क्यों कट कर आप स्मरण कर रहे हैं और अपने काम ना कर कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ कर उस पत्ते को समूह कर रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में आप काम ना कर कर पत्ते दे शंकर भगवान के ऊपर समर्पित। श्री शिवाय नमस्तु भीम दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी सावन के आखिरी सोमवार का बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, सावन के आखिरी सोमवार पे जब आप दो लोटा जल भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं तो उस जल में बन सके तो इत्र मिला के या शमी का पत्र हो या गुलाब की पंखुड़ी हो, इन तीनों वस्तु में से पूजनीय पंडित जी कहते इत्र बहुत ही जरूरी है। यदि आपको मिल जाए तो इत्र मिला के यदि आप दो लोटा जल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आखिरी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और कल आपका श्रावण का आखिरी दिन है तो ऐसे में सोमवार भी है, पांच बेलपत्र आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करें। बेलपत्र आपकी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए और प्रदोष काल में अपनी कामना करके घी का दीप आप अवश्य प्रज्वलित करें। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। सावन का आखिरी सोमवार हो शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जलता लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखरी, पंखरी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब दो लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर कामना कर कर त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर में ही बोला जाता, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो सदाक्षर ओम नमः शिवाय, सदाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल दीजिए, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए जिस शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए, फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा। काली मिर्च शत्रुओं का नाश कर आपको बल प्रदान करती कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वह सफलता देगी। वाह, अगर ब्रिंग भटक नहीं गए, हट नहीं गए तो वो सफलता दे। इतना भी बेका क्रोधी हो, जिद्द ही हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बहुत ध्यान देना मेरा, बेका कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संदर्भ पर भी चल रहा है, निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिलचिर कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर कर, चिरचिरपन क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर मरेगा, सत्संग की ओर आना। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए, अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहा है या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो चार छह महीने से बैठे हो, आठ महीने से बैठे हो, सर्विस में ही है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए, चुमा पुराण महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बिक रहा है वो जल चढ़ाए
बेलपत्री के पर किनके थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा पुत्र कर आई थी नौकरी दिलाई। जिस लड़का लड़के का विवाह नहीं होता ना, उस समी पत्र के नीचे बिठा कर और समीप के वृक्ष के नीचे बिठा कर समीप वृक्ष के जरती मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में समीप वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की की हल्दी लगाकर समीप वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है तो तीन महीने में विवाह हो जाएगा। कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो हमारा बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाव होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार, उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाए महाराज, किसी भी पांच प्रदोष या पांच सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उसकी थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाए घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा। क्या नाम लेना है? कुंद कैश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो चुटकी भर बस। और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार में नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा धक्का लगा ही देगा। ऐसे ही लगा है शंकर भगवान को भस्म प्रतीक थी। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता जमा जगत जननी जगदम्बा। आप लोगों ने अभी नवरात्रि गए हैं तो नवरात्रि में दर्शन किया होगा माता का। कहां यज्ञ होता है? सती से यज्ञ हो चाहे माँ अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेलन के फल की भी आहुति लगती, उस भस्म की बड़ी पर्वत। बेल का जो गुर्दा होता है, गुर्दे की जो भस्म तैयार कर देती है उसका बड़ा मान। मनमानजिक फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए और रोगी के लिए, आप जिस कामना से कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर हाथ में एक मेल पत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे थे, पर गंदी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बिचारी उंगली की ओर आप स्मरण कर रहे हैं और अपने काम ना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर उस पत्ती को समूह कर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में आप काम ना कर पत्ते थे शंकर भगवान के ऊपर समर्पित। श्री शिवाय नमस्त। दर्शकों हर हर महादेव स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी सावन के आखिरी सोमवार का बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों सावन के आखिरी सोमवार पे जब आप दो लोटा जल भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं तो उस जल में बन सके तो इत्र मिला के या शमी का पत्र हो या गुलाब की पंखुड़ी हो, इन तीनों वस्तुओं में से पूजनीय पंडित जी कहते इत्र बहुत ही जरूरी है। यदि आपको मिल जाए तो इत्र मिला के यदि आप दो लोटा जल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आखिरी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और कल आपका श्रावण का आखिरी दिन है तो ऐसे में सोमवार भी है, पांच बेलपत्र आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करें। बेलपत्र आपकी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए और प्रदोष काल में अपनी कामना करके घी का दीप आप अवश्य प्रज्वलित करें। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।